जिस कंप्यूटर से हमको शेयर करना है प्रिंटर को, उस कंप्यूटर पे कुछ सेटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ सेम स्टेप आप भी फॉलो कीजिए। जो जो सेटिंग है आप देख लीजिए। ये हमारा पहला कंप्यूटर है, यहाँ से जो पहले से इंस्टॉल है, हमारा जो है प्रिंटर पहले से इंस्टॉल है और इससे शेयर करना है। तो देख लीजिए कैसे मैं शेयर कर रहा हूँ। ये शेयर करके अप्लाई करके ओके कर देना है, ये हो गया। कि अगर आपका लैन केबल से कनेक्ट किया है आपने तो लैन केबल से कर दीजिए, वाईफाई से है तो वाईफाई से कर दीजिए। यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस देख लीजिए, ये आईपी एड्रेस है। आप भी ऐसे आईपी एड्रेस को निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं चेक करवा देता हूँ, ये हमारा जो वाईफाई है सेम वाईफाई दोनों लैपटॉप में कंप्यूटर में कनेक्ट होना चाहिए। ये दूसरा कंप्यूटर पे आ जाते हैं, उसमें भी यही वाईफाई मैं कनेक्ट किया हूँ। जो कमांड बता रहा हूँ सेम वैसे ही यूज कीजिए और जो पहले वाले का आईपी एड्रेस है यहाँ पे टाइप कर देंगे। आईपी एड्रेस डालने के बाद ओके कर देंगे और यहाँ पे शो होने लगा प्रिंटर, जो ड्राइव है वो भी शो होने लगा। और प्रिंटर को राइट क्लिक करेंगे और कनेक्ट करेंगे। ये एक एरर आ रहा है, अगर आप में भी ये एरर आ रहा है तो आगे आप कंटिन्यू कीजिए जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। अभी पहले कंप्यूटर पे आएंगे जिसमें प्रिंटर पहले से इंस्टॉल है और जो कमांड चला रहा हूँ वो कमांड आप देख सकते हैं। और जिसका जिसका नहीं है वो एरर नहीं आया है वो आगे कंटिन्यू आप देख सकते हैं, और जिसका एरर आया है आप ये स्टेप फॉलो कीजिए। यहाँ पे जो लिखा है मैंने सेम वैसा ही आपको टाइप करना है, कैप्स में स्मॉल में, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि टोटल कैप्स में कर दें या टोटल स्मॉल में कर दें। जैसा है सेम वैसा ही टाइप कीजिए। ये हो गया, अभी मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए वैल्यू, जो वैल्यू है वो ज़ीरो करके इसको कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल करने के बाद देख सकते हैं आप सर्विसेज में जाके यहाँ प्रिंट स्क्रोलर है इसको रिस्टार्ट कर। स्टार्ट होने के बाद इसको कैंसिल कर देंगे। और जिसमें इंस्टॉल करना है उस पर आ जाएंगे वो सिस्टम पे, और यहाँ से फिर से इसको राइट क्लिक करके कनेक्ट करेंगे। ये हो गया इंस्टॉल, इसको कैंसिल करके अभी इसको प्रिंट मार के देख लेंगे। यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ,
यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट आ रहा है। सेम ऐसे ही स्टेप फॉलो करके आप अपने प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।